मैं वाखिर दावा نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله أحباب ذي وقار خصوصا खुशबू असलाफ मुसलह बातिन माहिर तरबियत किबला बाबा जी सरकार और अरबाब इल्म दानिश आज के इस अजीम इज्तिमा में चंद बातें इस्लाह के हवाले से जो हमें हुक्म है अपने मौजू के एतबार से तिर्मिज़ी शरीफ में हुजूर नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ हुलिया मुबारक बयान हुआ है वहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदात मुबारक और घरेलू जो मसरूफियात होती थीं उनको भी बयान किया गया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा आपसे पूछा गया क़िला लि आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा माज़ा यामल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल बैत, पूछा गया कि आप हमें आगाह फरमाएं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम घर में क्या काम फरमाया करते थे, किस तरह काम करते। तो आपने फरमाया कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफली सौबहू, हुज़ूर अलैहिस्सलाम अगर घर में देखते कोई कपड़ा फटा हुआ उसे उठाकर खुद टांका लगा लिया करते थे। वह यहलिब शातहू, और बकरी का दूध खुद धो लिया करते थे। वह यख़दिमु नफ़सहू, घर का कोई काम होता तो किसी से ना कहते, खुद जाकर उस काम को कर लिया करते। सहाबा किराम फरमाते हैं जब से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें हुक्म फरमाया कि अपना काम खुद किया करो, फरमाते हैं अगर हम ऊँट पर बैठे होते हमारे ऊँट की नकेल कोई रस्सी वगैरह ऊँट की जो होती है लगाम वो गिर जाती या जो रस्सा होता है वो गिर जाता तो हम नीचे किसी खड़े हुए को ना कहते कि हमें उठा दो, हम खुद उससे उतर कर उठा लिया करते थे। और इसी तिर्मिज़ी शरीफ में दूसरी हदीस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सहाबा फरमाते हैं कि एक सहाबी दखल तो अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाजिर खिदमत हुआ और मैंने देखा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ मुबारक में कद्दू मुबारक है, वहुवा यक्ताउद्दुबा, हुजूर उस कद्दू मुबारक को काट रहे हैं। मैंने पूछा हुजूर ये क्या है, आप कद्दू मुबारक काट रहे हैं, आप तो सिदरतुल मुंतहा से ऊपर जाने वाले अल्लाह के रसूल हैं और घर में बैठकर कद्दू काट रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं इस काम से अपनी आयशा का हाथ बटा रहा हूँ, घर का काम कर रहा हूँ। और फिर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे हमारे सालन में इसके साथ इजाफा हो जाए। लोगों सोचने की बात है, वो हुजूर मुकर्रम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको इतनी रिफातें और इतनी बुलंदियाँ और अजमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई हैं वो किस तरह अपने घर का काम काज करते हैं। उन्हें कुरान फरमाता है रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम ही में से रसूल बनाकर भेजा है और इंसानों की सूरत में और बशरी लिबास पहनाकर भेजा है ताकि तुम्हें ज़िंदगी गुजारने का सलीका आ जाए, उनसे ज़िंदगी गुजारने के तरीके सीखो, मैंने अपने महबूब को तुम्हारे लिए नमूना बनाकर भेजा है। लोगों फुटपाथ पे बैठकर कोई मोची जो जूते सीने वाला है उससे लेकर दुनिया की अजीम सल्तनत के बादशाह तक एक एक के लिए मेरे आका करीम ने किताबों के अजीम निसाब अता फरमाए और अजीम तरीके अता फरमाया है। कोई जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखता है उसके लिए नमूने अता फरमाए।
देखें अगर कोई खामंद है तो वो पढ़े हदीस मुबारक। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला ना आप फरमाती है, एक दफ़ा मैंने प्याले के साथ दूध पिया और फिर उसको दूध कुछ बच गया तो मैंने रख दिया। आका अलैहिस्सलाम ने मुझसे पूछा, आयशा तुमने दूध पी लिया? मैंने अर्ज़ की, हुजूर पी लिया है, कुछ बच गया है। आका अलैहिस्सलाम ने वो प्याला मुबारक देखा, उसी प्याले को उठाया और मुझसे पूछा, आयशा तुमने प्याले के कौन से मकाम से दूध पिया है? मैंने आका अलैहिस्सलाम को अर्ज़ की, हुजूर इस जगह से। फरमा आका अलैहिस्सलाम ने प्याला उठाया, जहाँ से मैंने दूध पिया था हुजूर ने वहीं से दूध को नोश फरमाया। अगर कोई खावंद है तो इस निसाब को पढ़े, इस किताब को पढ़े, और अगर कोई बाप है तो देखें सैयदा फातिमा तुज़्ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब भी हाजिर होती है आका अलैहिस्सलाम वहुवा यबसुतु रिदाहु अपनी चादर मुबारक बिछा देते हैं, फरमाते बेटी यहाँ तशरीफ रखे। और अगर कोई गरीब से अमीर बनता है तो हमारे यहाँ ऐसे उसके एक तलख कलामी का लहजा और फिरौनियत और तकबर और कारूनी दौलत के जो अंबार होते हैं वो उभर उभर कर एक बारूदी नफरत बनकर सामने आते हैं। मगर आका अलैहिस्सलाम की सीरत पर कुर्बान जाएं, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो मक्कतुल मुकर्रमा के पास तशरीफ़ ले गए और हज़रत उस्मान इब्न तला रदी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ पर थे, उस वक़्त मुसलमान ना हुए थे, उनके पास मक्के की चाबी हुआ करती थी। आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान इब्न तला जो मुसलमान ना थे आपने फरमाया, उस्मान मुझे चाबी दो, मैं मक्के में जाके बैतुल्ला में नमाज अदा करना चाहता हूँ। तो हज़रत उस्मान इब्न तला अर्ज़ करने लगे, कहने लगे, जिस खुदा की तुम इबादत करते हो उसी खुदा से कहो वो तुम्हें चाबी भी दे और फिर इस घर में आकर नमाज पढ़ो। जिस खुदा हमारे खुदाओं की तुम तौहीन करते हो और फिर यहाँ नमाज पढ़ने के लिए हमसे चाबी भी मांगते हो, मेरे पास कोई चाबी नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस्मान इब्न तलहा उस वक़्त को याद कर जब मक्के की चाबी मेरे हाथ में होगी, मैं जिसको चाहूँगा अता करूँगा। लोगों वक़्त गुजरता गया और लम्हात ने अंगड़ाई ली। 8 हिजरी को जब मक्का फतह हुआ, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ उस्मान इब्न तलहा के घर, उसके पास मक्के की चाबी है और लेकर आओ। हजरत उस्मान इब्न तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर हजरत उमर फारूक गए और ज़बरदस्ती से चाबी वहाँ लाई गई। पीछे से हजरत उस्मान इब्न तलहा कुछ देर बाद वो भी हाजिर खिदमत हो गए, अभी तक मुसलमान ना हुए थे। आका अलैहिस्सलाम के पास चाबी उस वक़्त हुजूर के पास थी, मिल गई थी। इधर से हजरत उस्मान इब्न तलहा आ गए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस्मान इब्न तलहा उस वक़्त को याद करो जब चाबी मैंने तुमसे मांगी थी और तुमने कहा था कि अपने रब से जाकर चाबी मांगो, जिसका कलमा पढ़ते हो और पढ़ाते हो उस रब से जाके चाबी मांगो, आज देखो मेरे रब ने चाबी मुझे अता फरमा दी है। आला हजरत अजीमुल मर्तबत मुजद्दद दीन व मिल्लत सियासत सादका के बद्र मुनीर ज़ोहद व तक़्वा के गौहर नयाब इमाम आशका इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, आका तेरी खल्क को हक ने जमील किया, तेरे खुलक को हक ने अजीम कहा, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाहा, तेरे खाले के हुस्न अदा की कसम। आज के इस अजीम व शान इज्तिमा से हमने नमाज का पैगाम लेकर जाना है और अखलाक का अपने यहाँ पैगाम लेकर जाना है और किसी को अपने से छोटा समझ कर रौंदना नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस बंदे पर लानत है जो अपने मातहत पर बुरी तरह अफसरी करता है, अपने मातहत पर जो बुरी तरह अफसरी करे। ये अखलाक का एक अजीम निसाब है और किसी को ये समझे कि उसका कसूर है उसकी वजह से उसको छोड़ दें, नहीं, बल्कि माना कि मेरी ज़ात में 100 ऐब है मगर तू भी तो खुदा नहीं, कुछ तो ख्याल कर। हर एक में कोई ना कोई कसूर पाया जाता है, अगर गलती हो भी गई है तो खंदा पेशानी से उसे माफ़ कर दें। इलाही मुझे और ज़िंदगी दे कि है दास्तां अधूरी, मेरी मौत से ना होगी मेरे गम की तर्जमानी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।